आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज बेहद अहम दिन है। आज ही आर्यन खान की जमानत याचिका पर फैसला आएगा। इससे पहले सुनवाई हुई थी लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सेशन कोर्ट में आर्यन खान ड्रग्स मामले में अब सुनवाई शुरू हो गई है। अभी से कुछ देर पहले सतीश मान शिंदे और अरबाज मर्चेंट के वकील सेशन कोर्ट में पहुंचे हुए थे। वकील अमित देसाई और सतीश मान शिंदे कोर्ट में मौजूद है। अरबाज के वकील तारक सैयद भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। सेशन कोर्ट की बाहर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त काफी हलचल भरा माहौल है सेशन कोर्ट के बाहर। सबको फैसले का इंतजार कि क्या आज शाहरुख खान अपने बेटे को बचा पाएंगे, क्या आज शाहरुख खान के वकील आर्यन खान को बचा पाएंगे या नहीं, क्या फैसला आर्यन खान के हक में आएगा। आर्यन खान के 14 दिन की न्यायिक हिरासत का वक्त भी आज खत्म हो चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि फैंस वहां पर पोस्टर लेकर खड़े हैं, प्ले कार्ड लेकर खड़े हैं। पूरे शाहरुख खान के फैन शाहरुख खान के सपोर्ट में इस पूरे मुश्किल भरे समय में शाहरुख खान के साथ नजर आया है। पूरा बॉलीवुड शाहरुख खान के साथ नजर आया है। और ये सेशन कोर्ट की बाहर की तस्वीरें, मन्नत के बाहर भी इस वक्त काफी हलचल भरा माहौल है। क्या आर्यन खान आज अपने घर मन्नत वापस लौटेंगे या फिर वापस से उन्हें आर्थर रोड जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। करीब 3 बजे आर्यन को जेल या बेल पर फैसला आ जाएगा। 2:45 से 3 बजे के बीच में सुनवाई पर फैसला आएगा। फैसला सुरक्षित रखा गया था। सबकी नजर टिकी हुई है कि क्या फैसला लेते हैं आज कोर्ट में आर्यन खान को लेकर, मुनमुन धमेचा को लेकर, अरबाज मर्चेंट को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। आर्यन खान पर सबकी नजर टिकी हुई है। हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला जी हमारे साथ कोर्ट के बाहर से बने हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। इस वक्त मुंबई के सेशन कोर्ट के पास हैं और आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बेल को लेकर सुनवाई है। और आज ये पता चल पाएगा कि क्या आज आर्यन खान को बेल होगी या फिर वो फिर से अर्थर रोड जेल में होंगे। इसी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जो एनसीपी जिस तरीके से उन पर आरोप लगाई है उसे देखते हुए ये साफ पता चल पाएगा कि अगर केस वो आज देरी होगा, अगर जिस तरीके से आरोप है और उनके चैट है और जो विदेशी कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं सामने आए हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आर्यन खान के वकीलों द्वारा कि उन्हें आज बेल मिल जाए, तो ये कुछ ही समय बाद ये पता चल पाएगा। तब तक आप देखते रहें मेट्रो मुंबई न्यूज़।